अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जसीद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक नई प्रोडक्ट। नई प्रोडक्ट आ चुकी है दोस्तों हमारे पास होली लैंड की तरफ से। तो होली लैंड ने दोस्तों हमें भेजा है इनका ब्रांड न्यू HDMI ट्रांसमीटर रिसीवर जो कि है Mars 300 Pro। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस Mars 300 Pro की अनबॉक्सिंग, करेंगे टेस्टिंग, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कंपनी का, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वहां से बाय भी कर सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुकी है जी हमारी ब्रांड न्यू प्रोडक्ट होली लैंड की तरफ से। तो होली लैंड ने हमें भेजा है जी उनका ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो कि है Mars 300 Pro HDMI ट्रांसमीटर रिसीवर। यानी कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके जरिए दोस्तों आप अपने कैमरे का व्यू वायरलेसली अपने मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी तार की जरूरत नहीं है। तो ये मॉडल है जी 300 Pro, मतलब ये 300 फीट तक जो है मैक्सिमम इसकी रेंज है और 300 फीट तक आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने कैमरे का व्यू देख रहे हैं अपने मॉनिटर के अंदर, तो आपके पास इतनी लंबी केबल नहीं है या आप केबल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको ये डिवाइस अटैच करनी होगी। आप 300 मीटर तक जो है वायरलेसली अपनी जो है इमेज को या अपनी वीडियो को जो है देख सकेंगे जो कि है इस HDMI ट्रांसमीटर के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट लुक में दिखने में दोस्तों होली लैंड का ये ट्रांसमीटर रिसीवर है और ये Mars 300 Pro है। 3 फुट डुअल HDMI वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम है और होली लैंड बहुत ही कमाल की दोस्तों कंपनी है, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो उन्होंने भेजा है हमें ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं होली व्यू है और उसके बाद यहाँ पर और ब्रांडिंग वगैरह हुई है। तो अब इसको मैं कर रहा हूँ जी ओपन और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो लीजिए जी, मैंने इसको कर दिया जी ओपन और ओपन करते सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकलते हैं जी दो हमारी प्रोडक्ट जो कि इसमें एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है। सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं बाहर और फिर देखते हैं अंदर और क्या क्या सामान है। तो अंदर तो इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर और कुछ सामान है दोस्तों, जिसके अंदर एक आपको केबल मिलती है, एक इसका माउंटिंग अडाप्टर है और एक हॉट शू माउंट है। और यहाँ पर देख लेते क्या है, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, खाली है। तो बॉक्स को करते हैं जी साइड में। तो टोटल दोस्तों इसके अंदर से टोटल 5 चीज़ें निकलती है, जिसमें एक ट्रांसमीटर निकलता है, एक रिसीवर निकलता है हमारा, एक इसके अंदर केबल मिलती है जो कि USB से टाइप सी है इसको पावर ऑन करने के लिए या कोई चार्जिंग वगैरह करने के लिए। उसके बाद एक हॉट शू माउंट मिलता है ताकि आप जो है आप अपने जो है ट्रांसमीटर को अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर सकें। तो मुझे बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट लगी है और वजन जो है दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्के हैं, टोटली एल्यूमिनियम में बने हुए हैं। और सबसे पहले आप इसके टॉप पर देख सकते हैं यहाँ पर होली लैंड की ब्रांडिंग हुई है, Mars 300 Pro है। उसके बाद इस माउंट को लगाने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू दिए हैं, आप इसको किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद साइड भी देख सकते हैं दोनों के ऊपर दोस्तों आपको जो है पोर्ट्स मिल जाते हैं HDMI की। HDMI एक में इन की पोर्ट्स है, एक की तरफ HDMI आउट की है। जो इन वाली है वो आपका ट्रांसमीटर है और जो आउट वाली है वो आपका रिसीवर है। दोनों की तरफ USB टाइप सी की ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो है और भी काफ़ी सारे फंक्शन दिख रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप इसकी बैक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप अपनी कोई भी बैटरी NF सीरीज की सोनी की माउंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके दोनों साइडों पे जो है यहाँ पर जो है जगह बनी होती है और आप इसके साथ जो है NPF सीरीज की कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये NPF 70 सीरीज की बैटरी है, तो ये भी मैं चाहूँ तो इसके ऊपर अटैच कर सकता हूँ। आप चाहें तो कोई और मॉडल जो है इसी बैटरी का अटैच कर सकते हैं। यानी कि साइज़ का फ़र्क होता है, छोटी बड़ी होती है, लेकिन जो है वोल्टेज और कैपेसिटी जो है एक होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों के साथ मैंने जो है बैटरी अटैच कर ली। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं OLED स्क्रीन इसके ऊपर बनी होती है, जिसके ऊपर आपको मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म होते नज़र आ रहे होते हैं, इसके वोल्टेज और वीडियो ट्रांसमिशन हो रही है या नहीं हो रही, और उसके बाद फ़ैन इसका ऑन है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है इंटरनल फ़ैन भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ से जो है चैनल को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको वर्जन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन मिल जाएगा। और चैनल स्कैन में जाके जो है आप यहाँ पर चैनल को आपस में स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप इसके वीडियो ट्रांसमिशन कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है इसकी। उसके बाद जो इसकी लेटेस्ट ये बहुत ही लो है, तो वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले हम जो है अपने ट्रांसमीटर को अपने मॉनिटर के साथ अटैच कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं
तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है ट्रांसमीटर अपने कैमरे के साथ अटैच कर लिया, इसके साथ दो वायर्स अटैच कर लिए, एक इनपुट की और एक आउटपुट भी, आउटपुट की, आउटपुट पे जो है मेरा मॉनिटर चल रहा है और इनपुट पे जो है हमारे कैमरे से जो सिग्नल आ रहे हैं वो इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद इसको जो है हम अपने एक और मॉनिटर के साथ अटैच कर लेते हैं और फिर हम चलाकर इसे चेक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी मेरा मॉनिटर, और उसके बाद आप देख सकते हैं डमी बैटरी का ऑप्शन है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा कर इसको अटैच कर दूंगा। आप देख सकते हैं क्लिक साउंड आ चुका है और ये अटैच हो चुका है। उसके बाद HDMI के ऑप्शन को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर जो है HDMI इन लेकर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो एक ये पोर्ट से हम ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से पावर ऑन। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा मॉनिटर जो है पावर ऑन हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर जो है हमें डिस्प्ले आ जाएगा। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है, और जैसे जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ आप देख सकते हैं लेटेंसी बहुत ही कम है। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों मॉनिटर ये जो है हमारा HDMI ट्रांसमीटर काम कर रहा है, और समझ लें ये जो है एक डायरेक्टर मॉनिटर बन चुका है। यानी कि अगर आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं तो डायरेक्टर के हाथ में दे सकते हैं ताकि वो जो है वीडियो जो शूट हो रही है उसको डायरेक्ट इसके ऊपर देख सके और आपको गाइड कर सके कि कौन सा सीन किस तरह लेना है या किस तरह सीन आ रहा है। तो डायरेक्टर मॉनिटर बनाने के लिए भी ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आप देख सकते हैं ये जो है डायरेक्टर मॉनिटर बन चुका है, तो मुझे जो है बहुत मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करते हुए, और काफ़ी कमाल की प्रोडक्ट लग रही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर लेटेंसी बहुत ही कम है, तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी लगी है मुझे इसके अंदर हॉलीलैंड की तरफ से, कि आप जो है इसको दोस्तों किसी भी मॉनिटर के ऊपर लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आ चुकी है दोस्तों इसकी जो है रेंज टेस्ट करने की, कि इसकी रेंज कितनी है, आया 300 फुट भी ये काम करता है या नहीं। तो रेंज टेस्ट करने के लिए हमें जाना होगा बाहर, वहाँ जाके इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाहर अपने मास 300 प्रो को टेस्ट करने के लिए। तो मेरी बैक साइड भी देख सकते हैं मैंने जो है हारिस को बिठाया हुआ है ताकि हम इसका जो है वीडियो शूट कर सकें, और जो हमारी ट्रांसमिशन आएगी वो हमारे दूसरे कैमरे से आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दूसरा कैमरा अटैच किया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको हारिस का जो है शूट नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब ये काम करते हैं हम अपने जो है मार्स 300 प्रो को जो है यूज़ करते हैं और इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर जो है हम इसके साथ ट्रांसमिशन इसकी रेंज भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये आ चुका है जी हमारा मार्स 300 प्रो, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले हॉट शू माउंट लगा लेता हूँ, और मैं हॉट शू माउंट से ही अपने कैमरे के केज के ऊपर इसको जो है फिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इस हॉट शू माउंट के ज़रिए जो है अपने मार्स 300 प्रो को इसके हॉट शू माउंट वाली जगह पर जो है यहाँ पर अच्छी तरह टाइट कर दूंगा ताकि यहाँ से ये हिले नहीं। तो अब जो है केबल अटैच कर लेते हैं, और केबल के साथ जो है इसके आपस में जो है कनेक्शन कर देते हैं। तो लीजिए अभी मैंने जो है मार्स 300 प्रो इसके साथ अटैच कर लिया है, उसके बाद हम दूसरे साइड पे इसका देख लेते हैं कि आया इसका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो डिस्प्ले को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और इसको भी ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपने स्लाइडर को ऑन कर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक जो है मूव करता रहे, और फिर जो है हम अपना जो डिस्प्ले है वो अपने इस मॉनिटर पे चेक कर सकें। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसकी जो है आपस में कनेक्शन कर लिया है, और हमारा जो डिस्प्ले आप देख सकते हैं यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो है डिस्प्ले इसके ऊपर आना शुरू हो गया है, और बड़े बेहतरीन तरीके से दोस्तों जो है डिस्प्ले आ रहा है। तो अब बारी आ चुकी है जी इसकी रेंज की टेस्ट करने की, कि आया कितनी रेंज जो है हमें इसके अंदर मिलेगी और कितनी रेंज तक हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये काम करते हैं दोस्तों हम अपने सब्जेक्ट से जो है काफ़ी दूर जाते हैं और चेक करते हैं फिर इसकी रेंज। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैं जो कम से कम 50 मीटर दूर आ चुका हूं, और यहां पर अभी भी आप देख सकते हैं जो है हमारा डिस्प्ले आ रहा है। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं हारिस अभी भी जो है बैठा हुआ है, और हमारा जो है स्लाइडर मूव कर रहा है बड़े बेहतरीन तरीके से, और अभी कहीं भी जो है लैग नहीं है। तो अभी ये काम करते हैं काफ़ी और दूर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कम से कम जो है दोस्तों 200 या 250 फुट या मैक्सिमम 300 फीट तक दूर जाएंगे, और फिर चेक करेंगे कितना इसका रिजल्ट है और कोई जो है लैग वगैरह तो नहीं आता। तो अभी भी जो है दोस्तों बड़ा बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आ रहा है, ज़रा भी लैग नहीं है। मैं आपको वहाँ पर 300 फुट जाकर जो है आपको चेक करवाता हूँ।
तो लीजिए अभी आप देख सकते हैं हम 300 फुट दूर आ चुके हैं। तो मेरा कैमरा आपको दिखाता है कि कितना दूर है हारिस। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दूर जो है हारिस है वहाँ पर बैठा है, 300 फुट दूर है हमसे और हम 300 फुट ही दूर इससे बैठे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट अभी भी बेहतरीन आ रहा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग नहीं आ रहा और बड़े बेहतरीन तरीके से जो है हमारी वीडियो क्वालिटी आ रही है। और इसकी जो इमेज ट्रांसमिशन हो रही है वो 1080p में हो रही है फुल HD में। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इसकी रेंज 300 फुट तक जो कंपनी ने कहा है वही है। और 300 मीटर की रेंज के लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट जो है ये ट्रांसमीटर है HDMI के लिए। तो अब चलते हैं वापस। तो लीजिए दोस्तों भी आपने देख लिया, हमने इसके बाहर जाके इसकी रेंज टेस्ट की, इसको बताया मैंने आपको कि किस तरह आप इसको बाहर यूज़ कर सकते हैं आउटडोर में। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 300 फीट है और काफ़ी अच्छी इसकी रेंज है। और अगर आप इसकी रेंज से बाहर चले जाते हैं तो आपको जो है थोड़ा जो है नॉइज़ आना शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी जो है पूरी जो है सिग्नल इसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन अच्छी नहीं होती। तो अब बारी आ चुकी है दोस्तों इसको ऐप के साथ टेस्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप इसको जो है मॉनिटर के ऊपर भी को यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इसको मोबाइल के ऊपर भी डिस्प्ले देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमें जो है ऐप में जाना होगा, जो कि होली लैंड की अपनी ऐप है होली व्यू। तो ये आ चुकी है जी इसके होली व्यू की ऐप। मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए जी, मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हम होली व्यू की ऐप पे दोबारा वापस चले जाते हैं और वहाँ जाके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो वाईफाई का पासवर्ड इसका आप जो है ट्रांसमीटर से चेंज कर सकते हैं। तो लीजिए जी, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और वाह दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है जी हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ। और जो सेम आप यहाँ पर डिस्प्ले देख रहे हैं हमारे डायरेक्टर मॉनिटर पे, और सेम जो है हमारे मोबाइल के ऊपर भी आपको दिख रहा है, यानी कि 2-in-1 मॉनिटर बन सकता है आपका व्यू करने के लिए। तो ये बहुत कमाल की चीज़ मुझे लगी है। ये ऐप्स के ज़रिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे मोड भी इसके अंदर ऑप्शन है, जिन्हें पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फाल्स कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोनो कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैग्नीफाई कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम को दोस्तों इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ज़ेब्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, फोकस असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद वेव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स में जाके इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो है और ऑप्शन आप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पासवर्ड और मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ पर दिख जाएंगी, चैनल भी पता चल जाएगा कौन सा चैनल है। तो मुझे ये बहुत ही कमाल के दोस्तों प्रोडक्ट लगी है। इसके ज़रिए आप वायरलेसली अपने जो है इमेज ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। इसके लिए आपको तार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है फिल्म मेकिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और अगर आप खुद डायरेक्टर हैं तो उसके लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की प्रोडक्ट जो है आपको पसंद आई होगी होली लैंड की तरफ से मास 300 प्रो। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक जरूर करना। तो अगर आप चाहते हैं मैं और प्रोडक्ट्स होली लैंड के अनबॉक्सिंग हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहूँगा आप सब दोस्तों के लिए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।